तब इनका पूछ लो ना गठबंधन का के होगा, कल गाड़ देवे थे आज बोला गठबंधन हो गया। इनका कोई ठड्डा ठिकाना नहीं रह रहा, ना जेजेपी का ना इस बीजेपी का। कल लड़े थे आज इकट्ठे हो गए, तड़के फिर लड़ पड़ेंगे। तो उनका तो लठबाज है, कांग्रेस तो सारी संगठित है। अगर उचाना सीट की बात की जाए तो दुष्यंत चौटाला दावा करते कि मैंने 60 पंचायतों में खूब विकास कार्य किए हैं, तो क्या कैसे देखते हैं आप? तो गांव के लोग बता देंगे किसे काम करें हैं, चुनाव आएगा उसमें पता लग जाएगा। इनकी तो लड़ाई है, निराड़े नहीं मिटती। तब तुम्हारे पूछो जाओ फलां 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 आप आएंगे कि नहीं आएंगे। तब इनका पूछ लो ना गठबंधन का के होगा, कल गाड़ देवे थे आज बोला गठबंधन हो गया। इनका कोई ठड्डा ठिकाना नहीं रह रहा, ना जेजेपी का ना इस बीजेपी का। कल लड़े थे आज इकट्ठे हो गए, तड़के फिर लड़ पड़ेंगे। तो उनका तो लठबाज है, कांग्रेस तो सारी संगठित है। अरब की बार लोगों ने मन बना लिया कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, और लोगों ने भी मन बना लिया। कल मैं आदमपुर में था, हर व्यक्ति ने कहा कि जयप्रकाश। आज इस बात को लेकर के मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा याद आता है, जब वो मुख्यमंत्री थे उन्होंने घोषणा की थी लागपुर से लेकर के बुड़ाक तक एक नहर का निर्माण होना था, टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव सारी अप्रूवल हो चुकी थी। एक फाइल पड़ी है आईसी के दफ्तर में, आईसीएस के दफ्तर में कहीं होगी। आज ये गठबंधन सरकार के नेता जेजेपी बीजेपी के, उसका टेंडर नहीं करवा, इसको सुचालू नहीं करवा, इसके एक टेंडर जरूर होया, टेंडर नहीं हो उद्घाटन कह रहे थे मुझे, देखो मुझे कंफर्म नहीं है, बोला जी आज उद्घाटन कर दिया 160 करोड़ रुपए से सीवरेज बन गया। मैं आदमपुर में बाई चांस बैठा था, मैंने पता तो करो रहे कोई पाइप वाइप दबिया कि, एक पाइप नहीं दबे और सीवरेज के ऊपर बनाया है। या तो इन गठबंधन वालों से आपने पूछना पड़ेगा।